नमस्कार। कैसे जानेंगे कि ट्विन फ्लेम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? आप कैसे जानेंगे कि ट्विन फ्लेम आपसे दूर हैं, फिर भी वो आपसे एनर्जेटिकली किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं? जब आपका ट्विन फ्लेम रियली आपके लिए सोचता है, या आपका काउंटर पार्ट, या आपका डिवाइन मस्कुलाइन, है ना, तो ये आपके लिए सोचते हैं। ये कॉमन मैसेज है, जैसे कि आई लव यू एंड प्लीज फॉरगिव मी। ये बिल्कुल ही ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉमन मैसेजेस हैं जब हम टेलीपैथिकली एक दूसरे का सुन पाते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आप इमोशनली उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये इजीली ट्रांसमिटेड हो जाता है आपके ब्रेन सिस्टम में। ये आपके चैनलाइज हो जाता है कि हाँ, कोई मुझे कह रहा है कि आई लव यू, कोई मुझे कह रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव मी। ये कोई मतलब कोई कौन है? ये आप ही के हैं, ट्विन फ्लेम है। तो ये आपको लव सेंड करते हैं, समटाइम नेगेटिव एनर्जी भी सेंड करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया। आप एकदम से विद इन अ मिली सेकेंड आप पहचान सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपको किस तरह की वाइब्स सेंड कर रहे हैं। पहला साइन ये है कि आप उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपके माइंड में रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपका माइंड में बहुत सारा टाइम चल रहे हैं तो इसलिए ड्रीम आया, नहीं, वो वाकई वो याद कर रहे होते हैं, आपको मिस कर रहे होते हैं, लविंग फीलिंग होती है, इस वजह से आपको उनके ड्रीम आते हैं, अदरवाइज ड्रीम नहीं आते हैं। और आपका उनके साथ इमोशंस और फीलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये जब हो सकता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स पहले ही फिजिकली भी जुड़े हों, लेकिन वैसे भी अगर नहीं जुड़े हैं या नहीं भी मिले हैं तो भी। दूसरा साइन है कि आपका हार्ट में एकदम जॉयफुल फीलिंग होगी। जॉयफुल जब फीलिंग होगी, जब आपको अचानक से ये फील होगा कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ, बहुत अच्छा क्यों लग रहा है, तो ये वाली जो फीलिंग होगी, ये समझ लीजिए कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन या आपका ट्विन फ्लेम आपको उसी तरह से फीलिंग्स भेज रहे हैं। वो हो सकता है उनको किसी कोई बात याद आ गई हो आपकी और वो याद कर रहे हो। तीसरा कि आप उनका टच फील करेंगे, उनका अपने स्किन पर समटाइम किसिंग या समथिंग टचिंग का, ऐसा पैट करने का, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। ये टचिंग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही अधिकतर देखा जाता है। और तो मैंने अभी तक किसी का सुना नहीं कि हम ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा टच कर रहा है। एक्चुअली अल्फा एंड बीटा जो आपके रेज होती हैं, उस वजह से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं बहुत ही इजीली। दिस मीन्स वी आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस अ रिमोट टच इन द मोमेंट जस्ट बिफोर वी फॉल एस्लीप और व्हेन वी आर मेडिटेटिंग। तो जब आप सोने ही वाले होते हैं या फिर मेडिटेट कर रहे होते हैं, तब इस समय में ये वाली बात आती है कि ही इज़ किसिंग यू और ही इज़ समथिंग एक्सपीरियंसिंग समथिंग एज सेक्सुअल कनेक्शन भी समटाइम ऐसा फील होता है। ऐसा फील होता है सोने के बाद भी आपको ड्रीम में कुछ तरह का उनका, इस तरह का अल्फा लेवल मेडिटेशन में जब आप फील करते हैं ना, तो उस समय भी फील कर सकते हैं, या फिर ड्रीम में भी आपको इस तरह का फील आता है कि एक फिजिकल ट्विन फ्लेम की इंटीमेसी आपके साथ है। नंबर फोर है कि सडन इंटीमेसी वाला फीलिंग, या सडन पॉजिटिव या सडन नेगेटिव सर्जिंग सी होने लगती है, कुछ अजीब से एक्सपीरियंसेस आपको होने लगते हैं। ये सच में फिजिकल रियलिटी है। दिस इज़ अ साइन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग योर ट्विन्स इमोशंस एंड डिज़ायर्स एज दे थिंक अबाउट यू। जो वो सोच रहे हैं ना, वैसा ही डिज़ायर, उनका डिज़ायर आप एकदम से फील कर पा रहे हैं। सच में ये फीलिंग और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो सच में इस जर्नी में है, वो इस तरह के स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से जब ट्विन फ्लेम्स गुजर रहे होते हैं, तो तब क्योंकि सेपरेशन होता है, सेपरेशन में वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं, तो आप उनकी इस तरह के ड्रीम्स या टचिंग से आप समझ सकते हैं। नंबर फाइव है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन जो है वो ट्विन फ्लेम के बारे में लगातार बताती रहती है। समटाइम जैसे कि आप हैप्पी हैं, आपने सोचा कि ठीक है वो दूर है तो चलो मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, अपने आप में मस्त हूँ, लेकिन सडन एक थॉट सा आ जाता है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ वहाँ गलत हुआ है, और कभी आप पूछेंगे ना तो आपको वो समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ साइन बताने से पहले बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि मेरी सर्विसेज लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए, है ना, मैसेज करने से बात शुरू हो जाएगी आपकी और मेरी। नंबर सिक्स ये है कि आप जो है ट्विन फ्लेम आपके हैं ना, आपके माइंड में हमेशा बने रहते हैं, लेकिन आपका जो डे है, वो आपका जो दिन है, वो सारा दिन उनके बारे में सोचने में निकल जाता है, क्योंकि आप
का ट्विन फ्लेम आप ही के बारे में सोच रहा है। यू माइट सडनली सी एन इमेज ऑफ देम इन योर माइंड, कि अचानक से इमेज क्यों आई। आप हो सकता है कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अचानक से उनका इमेज क्यों आ गया आपके सामने, आपकी उनके ही इमेज जैसा, उनकी ही शक्ल जैसा कोई और पर्सन कैसे आ गया, उनका ही नाम, उनका ही डेट ऑफ बर्थ किसी ने कैसे पुकार लिया। आप अपने आप में मस्त हैं लेकिन अचानक से आपके ट्विन फ्लेम का नाम किसी ने जोर से बोल दिया, लेकिन वो आपके ट्विन फ्लेम को नहीं बोल रहे, वो उनको नहीं जानते हैं लेकिन बोल दिया, तो वो आप तक पहुंच गई वो बात। तो ये बातें जो होती हैं ये साइंस होते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपको याद कर रहा है। नंबर 7 की यू सेंस देयर प्रेजेंस ऑफ लव, मतलब उनका जो लव वाला फीलिंग है वो आप रियली फिजिकली मेंटली एथेरिकली एनर्जेटिकली हर तरह से महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप सोच रहे होते हैं ना उनके बारे में तो वहाँ पर भी वो सब कुछ मिररिंग हो रही होती है। आप भी वैसा ही सडन एक एक्सपीरियंस, जो बर्स्टिंग का एक्सपीरियंस है या पल्पिटेशन का एक्सपीरियंस है, वो आप फील करने लग जाते हैं स्पेशली इन हार्ट। और ये सब साइन है कि ट्विन फ्लेम जो है आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं या किसी को बता रहे हैं। नंबर 8, आप ये फील करते हैं कि उनकी सेंसेशन किस तरह की है, टिंगलिंग सेंसेशन भी महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में जो कि आपकी हो रही है ट्विन फ्लेम ऐसा ही सोच रहे हैं। ट्विन फ्लेम का एक वीडियो भी मैंने बनाया कि वो हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू सेक्सुअली, तो समटाइम इस तरह की फीलिंग रहती है क्योंकि एक ज़बरदस्त मैग्नेटिक पुल रहता है जो कि आपके ट्विन फ्लेम्स में रहता है। फिजिकल अटैचमेंट के लिए भी एक सेक्सुअल अपसर जो होता है ना, वो वाली फीलिंग आती है। नंबर 9, यू एक्सपीरियंस आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉडी जो आपका फिजिकल इंटीमेसी वाला एक्सपीरियंस होता है वो समटाइम आप फील कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके मन में वो अवसर चल रहा है, वो वाला मोमेंट चल रहा है आपका, आप उस तरह की थिंकिंग कर रहे हैं, उस तरह के वीडियोस देख रहे हैं तो शायद माइंड में आ गया कि आपका ट्विन फ्लेम आपको किसिंग और हगिंग कर रहा है इस तरह का, बट ऐसा नहीं है, वो सच में सोच रहे होते हैं क्योंकि मिररिंग होती है तो ही आपके साथ ये सब होता है। जब अल्फा स्टेट मेडिटेशन के दौरान आप आते हैं या जब सो रहे होते हैं तो भी ये चीज़ें होती हैं और जागृत अवस्था में भी होती। नंबर 10, यू कीप हियरिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग और फ्रेज, व्हेन यू कीप हियरिंग द सेम सॉन्ग और फ्रेज, कोई फ्रेज जैसे उन्होंने कुछ बोला हो, कभी आप दोनों के बीच में बात हुई हो, आप दोनों मजाक में मस्ती में कुछ बोलते थे और अब सेपरेशन हो गया, वही चीज़ वही शब्द वही सेंटेंस आपको सुनाई दे गया, या उनका कोई फेवरेट सॉन्ग कि यार तू हमारे लिए ये सॉन्ग है, या कोई भी आपकी यादें थी जो कि सेपरेशन के दौरान आपको याद आती है, उस समय याद नहीं आ रही, आप अपने इनर वर्क पे लगे हुए, लेकिन अचानक से वो सॉन्ग याद आ गया तो आप वापस से फिर पास्ट में चले जाते हैं कि हाँ ये हुआ था वो हुआ था। नंबर 11, कि आप ये देख पाते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है वो भी मेडिटेट कर रहे हैं, आपको ये फीलिंग होती है मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हुए, आपको इंट्यूटिवली फीलिंग आ जाती है कि रियली वो भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, वो ऑब्जर्व हो रहे हैं स्पिरिचुअली, अब हर समय फिजिकल नहीं रहेगा, स्पिरिचुअली भी वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। ये नेम वेम दिखना और ड्रीम आना, सेक्सुअल ड्रीम आना यहाँ तक ठीक है, उसके बाद ये जो जर्नी है आपकी, ये अल्फा थीटा स्टेट जो है, थीटा स्टेट है, ये आपके ईगो माइंड को बिल्कुल ख़त्म करती जाती है और आप दोनों को अलाउ करती है कि आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो एक दूसरे से मिल पाएँ, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए चाहे वो आपसे दूर है कि नहीं, है ना। अगर लेकिन देखिए ये सारे साइंस हैं, लेकिन अभी तक आप ये कहेंगे कि हमने तो कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं इस तरह का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अपने ट्विन सोल से, कि हमने किया ही नहीं, तो क्या ये एनर्जेटिक चैनलिंग हमारे लिए नहीं है, क्या ये हमारे अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं? तो जी हाँ, ये आपके अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं, ये आपको खुद से सर्च आउट करना होगा क्योंकि आप उनका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रिसीव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद ही रिसीविंग मोड में नहीं हैं। रिसेप्टिव मोड या रिसीविंग मोड कि यस आई एम रेडी टू रिसीव, वो वाली बात नहीं है। अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो है कि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, जाने तो उसको ये है वो, कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं ईगो है, जहाँ पर आप ये उनको प्रताड़ित या फिर ये कह रहे हैं कि लेट हिम गो, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम को लेट हिम गो वाली बात नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं, ना ही वो आपको जाने देंगे। डिवाइन ईश्वर आपको यूं ही ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं लेकर आया, ये कोई यूं ही जर्नी नहीं है कि आप आ गए इसमें, आ गए अच्छा जी अब मन कर रहा है बाहर जाने का, चलो जी निकल गए,
हम जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी को ना क्विट करना चाहते हैं, कैसे करें? अब क्विट करना तो कर दीजिए, करके देखिए। क्विट ही तो नहीं होती है, अगर आप चाहे हस्बैंड वाइफ भी हों, ट्विन फ्लेम कपल, चाहे अदर अदर स्पाउस से मैरिड हो, एक मैरिड एक अनमैरिड हो, एक का एज गैप बहुत ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, अपने बच्चे की उम्र तक का भी एज गैप हो जाता है, तो आप सोचते हैं क्या ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इस एज में क्यों हो रहा है? तो या छोटी एज के कोई है तो ज़रूरी नहीं है कि छोटी एज के डीएम ही हो, ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है कि वो छोटी एज वाला और बहुत ह्यूज गैप अगर आप में है तो वो हो सकता है कि वो डिवाइन फेमिनिन, वो आपको इतना लव केयर और इतना ममतामयी भाव से एक मदरली अफेक्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों मुझसे अट्रैक्टिव फील, आप कुछ गलत सोचेंगे। कुछ टाइम तक आप गलत सोचते रहेंगे क्योंकि आपका ईगो माइंड ये 3D दुनिया के हिसाब से बना हुआ है, आप कहेंगे कि इसका कोई गलत इरादा है, शी इज़ नॉट राइट, ही इज़ नॉट राइट पर्सन, है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना वो सारा दिमागी तिकड़ में लड़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा, आपका दिल, आपके इमोशंस जानेंगे कि वो ऐसा कुछ गलत इंसान नहीं है, वो ट्विन फ्लेम ही है, एक प्योर पायस एनर्जी ही है जो आपको एक लव एंड अफेक्शन देने के लिए आए हैं। अब क्यों आए हैं, क्या आए हैं, वो पास्ट लाइफ के कारण है, और ये ट्विन फ्लेम में इसी वजह से इतने सारा कन्फ्लिक्ट होता है कि कई बार 3D में हम एज गैप हो जाता है और ये और वो और बहुत सारी बातें, इवन हम एक दूसरे के करीब आते आते भी दूर हो जाते हैं। इवन ऐसा भी होता देखा गया है कि दोनों ही मैरिड हैं या अनमैरिड भी हैं तो एक होने से भी दूर हो गए। तो इस तरह का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन टाइम पीरियड में ही बिना नाराज़ हुए, बिना ईगो लाए, बिना ये कहे कि आदमी ऐसा होता है या फिर ये कहे कि औरतें तो होती ही ऐसी हैं, इस तरह का कन्फ्लिक्ट्स, इस तरह का लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, इसको आपको हटाना होगा तो ही आप रिसीविंग मोड में आ पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं, आप कहते हैं कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा तो सब कुछ लगता है, हमने कन्फर्मेशन भी करवा लिया चलो, लेकिन हम उनका बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेटिव क्यों नहीं हो पा रहे, इसी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे, उनको चैनल सॉन्ग आपको नहीं आ पा रहे हैं, इस तरह का ड्रीम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। इसके लिए आपको और डीप मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप डीप मेडिटेशन में आइए, ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर में उतरेंगे ना, आपको वो सब कुछ खुलता नज़र आएगा, आपको क्लियर पिक्चर ट्विन फ्लेम के बारे में नज़र आती दिखाई देती चली जाएंगी, ये चीज़ है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।